उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में चैत्र नवरात्र पर्व पर लगने वाले ऐतिहासिक मेले में दुकानें तो तरह तरह की सजी हुई हैं, लेकिन इस मेले में यदि आकर्षण का केंद्र कहें तो वह है गोलू की पान दुकान। हो भी क्यों ना, क्योंकि गोलू की पान दुकान में तरह तरह के पान लगाए जाते हैं जो उच्चतम गुणवत्ता के पान अपने ग्राहकों को बड़े अच्छे अंदाज में खिलाते हैं। गोलू की दुकान में पान खाने वालों की लाइन लगी रहती है, जो सभी मसाले से बने पान मात्र 10 रुपए में बेचते हैं, जिसकी जमकर तारीफ भी होती है। गोलू पान वाले मुख्यतः बरगी जौलपुर के रहने वाले हैं, जो पाली मेले में करीब 15 वर्ष से अपनी पान दुकान लगाने आते हैं। खास बात यह है कि इनकी पान दुकान से ही इनके पूरे परिवार का पालन पोषण होता है। गोलू बताते हैं कि आधुनिकता में सर्वाधिक लोग पाउच गुटखा ज्यादा खाते हैं, लेकिन वह लोगों के लिए हानिकारक होता है। पान स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, जिससे लोग बड़े चाव से इसे खाना पसंद करते हैं। उल्लेखनीय है, गोलू के पिता और उनके 2 अन्य भाई भी बीते कई वर्षों से पान का व्यवसाय करते चले आ रहे हैं, जो जौलपुर शहर के नामी पान व्यवसायी के नाम से जाने जाते हैं। इनका पान जौलपुर ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थलों में अपनी पहचान स्थापित कर चुका है। गोलू भैया का पान ये पाली में ही जबलपुर से आते हैं। इनका पान बहुत स्वादिष्ट है। यहाँ से बहुत बाहर से पान खाने आते हैं इनके यहाँ। ये बहुत ही साल से मेला में आ रहे हैं। इनका पान बहुत दूर दूर तक फेमस है। आप प्रतिदिन पान खाते हैं? हर दिन पान खाते हैं, डेली आप खाते हैं कि घर में बना? घर में भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। सबसे पहले तो आपको एक जानकारी बताना चाहूँगा, लवंग कर्पूर संयुक्तम ताम्बूलम सुरपूजितम प्रीत्या गृहाण देवे से मम सौक्ष्म विवर्धय, कि मेला अगर आए और सारी चीज़ें देखी लेकिन अगर तांबूल यानी पान नहीं खाया तो क्या खाया। हमारे पीछे गोलू भैया हैं, इनके पान की दुकान इतनी बेहतर है कि हम यानी ये है कि जब भी आते हैं पान मीठा ज़रूर खा के जाते हैं। और इतने मेले में घूमने के बाद भी अगर गोलू भैया घर यानी गोलू भैया की दुकान की पान ना खाए तो क्या खाया। कितने का पान लगाते हैं गोलू? 10 रुपये का पान, बेहतर और बहुत विख्यात है। हम क्या शहडोल और जहाँ जहाँ तक इनका नाम कटनी मैहर तक भी इनका नाम है, वहाँ भी गोलू भैया बहुत विख्यात हैं और बहुत फेमस है इनकी दुकान। क्या नाम है आपका? राजकुमार ठाकुर। कहाँ के हैं? बरगी जौलपुर। कब से आ रहे हैं पाली के मेले में? पाली मेले में हमें हो गए कम से कम 17 साल। ये पान आप लाजवाब लगाते हैं, लोगों का कहना है कि आपके यहाँ काफ़ी स्वादिष्ट पान मिलता है, क्या राज है इसका? तो हमारा केवल ये है कि हमें मन से पान देना है, अच्छे से पान खिलाना कि आदमी को अच्छा लगे और टेस्ट अच्छा हो, बस। कितने कितने का पान लगाते हैं? 10 रुपये का, चाहे मीठा हो चाहे जैसा भी खाना हो, मात्र 10 रुपये का। अलग जगहों में देखा जाए तो ये मीठे पान का 20 रुपये रेट रखे हैं, 10 क्यों रखा है आपने? ये बस कि कम से कम नाम हो, हमारा भी माँ ब्रासनी का भी सबका मतलब नाम हो। कितने वर्षों से ये पान का ठेला लगा रहे हैं? यहाँ पे हम लोग आते हुए 17-18 वर्ष हो गए समथिंग। अच्छा, जौलपुर में कौन सा व्यवसाय है मुख्य आपका? मुख्य हमारा यही काम है। कहाँ खोलते हैं जौलपुर में? बरगी जौलपुर में, बरगी में। कितने दुकानें हैं आपकी? हमारी है 1-2 और 3 शॉप। कितना कमा लेते हैं उससे? उससे लगभग बस घर चलता है पर्याप्त। बस कितने भाई हैं आप लोग? 3 भाई हम लोग। सब पान का व्यवसाय? जी सब पान का। आपके पापा? पापा भी करते थे, अभी हैं साथ में, अब हम कर रहे हैं। कितने वर्षों से पापा आपका ये व्यवसाय कर रहे हैं? पापा को हो गए कम से कम 50 वर्ष। तो यहाँ मेला में आते हैं आप, तो लोगों से क्या आपका अपील क्या है पान को लेकर के? बस सब अन्य पान है, सुनवान स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, खाने पीने में अच्छा है, खून मतलब वो होता है बढ़ता है, तो वही ये सब फायदे हैं। वही हम चाहते कि कम रेट में हो लेकिन अच्छा हो। बीर सिंहपुर पाली से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।